आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद गरम लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। ग्राम पंचायत माथु गामला खास, सचिन गौरव शर्मा, सरपंच जीवन लाल कटारा, ग्राम पंचायत माथु गामला खास की ओर से सभी ग्राम वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आम आदमी को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। बेखौफ अपराधी लगातार हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को देखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाया। विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंदसौर, इंदौर, ग्वालियर के साथ भिंड में भी हत्याओं का सिलसिला जारी है, जिसे रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही है, जिसे आम जनता के बीच रोष बना हुआ है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदार राज्य सरकार है। खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री का पुतला जलता देख पुलिस मूकदर्शक बनकर देखती रही। प्राइम न्यूज 24 के लिए अक्षय भदौरिया की खास रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम था, किसके ऊपर पुतला दहन किया गया? आज भारतीय जनता पार्टी भिंड जिले की ओर से मध्यप्रदेश सरकार, कमलनाथ की जो सरकार है, जब से सरकार बनी है पूरे प्रदेश में आयतन इतनी हत्याएं हो रही है। ये कानून प्रशासन के माध्यम से, इसमें कानून में कुछ हिचका है ही नहीं, कोई प्रशासन उनकी पकड़ नहीं है। सरकार ये चला रहे हैं, पता नहीं सरकार ये चला रहे हैं कि इनके पीछे कोई और चला रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ये सरकार पूर्णतः कानून देने में, आम जनता की कानून सुरक्षा देने में फेल हो गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक पुतला दहन के माध्यम से संदेश देना चाहती है कि मध्य प्रदेश में अति शीघ्र कानून व्यवस्था में लगाव कसें, जिससे कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही है वो बंद हों। इसमें एक बीजेपी के एक अध्यक्ष की भी हत्या हुई थी, नगर पालिका अध्यक्ष की नहीं हुई है, इंदौर में एक व्यापारी की हुई है, दो हत्याएं ग्वालियर में हुई है, एक नगर पालिका अध्यक्ष मंदसौर में हत्या हुई है। जैसे अब देखा जाए हर जिले में हत्या हुई है, अभी भिंड में भी हत्या हुई है, अब अशोक का भी, उसका राणा का भी कल अपन को मिला हुआ है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कहते हैं कि हम तो बीजेपी वालों में ज्यादा त्रस्त है, अभी इसको सुधारने में थोड़ा समय लगेगा, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आप कल्पना करिए, इतना इंतजार करते रहेंगे तो हत्या कर करके इतना हो जाएगा, पूरा प्रदेश ही हत्याओं में तब्दील हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो आपकी आगे क्या कार्य? जरूरत दिन आंदोलन होंगे, इसका जवाब मांगा जाएगा सरकार से। अगर कानून में अगर सुरक्षा तो नहीं दे पाए तो सरकार छोड़ो, हटो यहाँ से। 15 साल शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा, अब कोई बताए कानून में कमी रही तो।